मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट या फिर रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि रिपोर्ट तैयार करने के सिद्धांत। रिपोर्ट तैयार करने के सिद्धांत क्या क्या है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉइंट्स। आज का पहला पॉइंट है निश्चित उद्देश्य, यानी कि डेफिनेट पर्पस। जो आप लिख रहे हैं रिपोर्ट, वो उसका एक उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि आप वो रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। प्रत्येक रिपोर्ट का एक निश्चित उद्देश्य होता है, अतः रिपोर्ट की विषय वस्तु द्वारा निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जानी चाहिए। रिपोर्ट का वर्णन उद्देश्यात्मक होना चाहिए, यानी कि पर्पसफुल होना चाहिए। जो भी रिपोर्ट आप लिख रहे हैं वो पर्पसफुल होना चाहिए। क्या पर्पस से आप लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में वो निश्चित रूप से उद्देश्य के सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है संक्षिप्तता, यानी कि ब्रीफिटिंग। रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट थोड़ा ही लिखिए, लेकिन जितना भी लिखिए पूरा सटीक लिखिए, परंतु पूरी हो। जैसे कि मैंने बताया कि रिपोर्ट संक्षिप्त होना चाहिए परंतु पूरी हो, यह इसलिए आवश्यक है ताकि लंबी रिपोर्ट को तैयार करने में समय तथा धन की बर्बादी ना हो। ये भी जरूरी है कि वो संक्षिप्त में होने से आपका जो धन है वो कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। अगर आप उसी के हिसाब से अगर आप लंबा या फिर बड़ा रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें धन की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है व्यवस्था, अरेंजमेंट। रिपोर्ट अच्छी प्रकार से नियोजित तथा संगठित होनी चाहिए। इसमें सभी तथ्यों, नियत निष्कर्षों तथा सिफारिशों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिपोर्ट का क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, तो उसमें जो भी आप मेंशन करिएगा निष्कर्षों का, सिफारिशों का और उसकी व्यवस्था का सही अरेंजमेंट होना चाहिए। उसका आप सही तरीके से फॉर्मेट में रिपोर्ट को तैयार करें। नेक्स्ट है स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। रिपोर्ट की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि रिपोर्ट का जो भाषा है वो एकदम सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। छोटे परिच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे परिच्छेदों का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई तकनीकी शब्द यानी कि टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग किया गया है तो उसे समझा देना चाहिए। यदि आप रिपोर्ट में कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उसे ज़रूर मेंशन कर दें या समझा दें उसमें। नेक्स्ट है समय एकता, यानी टाइमलीनेस। रिपोर्ट को ठीक समय पर प्रस्तुत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो जितनी जैसे ही हो जाता है वैसे तुरंत आपको रिपोर्ट तैयार करके देना चाहिए और उसमें वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विशेषकर जब नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से कोई रिपोर्ट तैयार की हो तो इसका उचित समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि आपने रिपोर्ट लिखा है तो उसको सही समय पे ही उसको आपको प्रेजेंट करना चाहिए, उसको देना चाहिए। क्यों? उसके बारे में भी है। विलंब हो जाने से सुधारात्मक कार्यवाही प्रभावित हो जाती है, यानी कि उसमें फिर कोई भी आपको सजेशन दिया जाए या फिर रॉन्ग होता है तो उसको सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए या तो समय नहीं मिलता है या फिर आपको पूरा चेंज करने के लिए फिर से आपको समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ वो रिपोर्ट को आपको दोबारा बनाने के लिए फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको टाइमलीनेस, रिपोर्ट को तैयार करना है, थोड़ा छोटा बनाना है और सही समय पे प्रेजेंट भी करना है। और जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या मैंने पहले ही आप लोगों को फॉर्मेट बता दिया था। सही फॉर्मेट के साथ डेफिनेट पर्पस ज़रूर लिखें उसमें कि आपने क्यों ये रिपोर्ट तैयार किया है। फिर उसके बाद ब्रीफली होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त में होना चाहिए, थोड़ा छोटा हो लेकिन पूर्ण हो। आप बहुत सारी बातें लिख देते हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी बातें होती भी नहीं है जो ज़रूरत की नहीं होती है। तो ये इस तरीके से जितना भी आप लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, सही लिखें और सही तरीके से उसको सबके सामने करना चाहिए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट। आप जो भी करेंगे वो उसका अरेंज
जो है वो सही तरीके से होना चाहिए, कहाँ कैसे फॉर्मेट में आपको अरेंज करके करना है वो देखना है। स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी, जब भी आप कर रहे हैं तो उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म्स को आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट है टाइमलीनेस यानी कि समयता, समयता में आप उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज का जो क्लास है ये आप अपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, और अगर नहीं समझा तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।